प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर ई केवाईसी स्टार्ट होने के बाद अभी दो नए ऑप्शन जोड़े गए हैं, जिनमें अगर किसान को ई केवाईसी करते समय कोई भी समस्या आ जाती है तो वहां पर पीएम किसान योजना के अधिकारियों से वो हेल्प ले सकता है। यानी वो एप्लीकेशन देकर हेल्प है वो पीएम किसान योजना के अधिकारियों से डायरेक्ट ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको दो नए ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा अगर आपको ई केवाईसी करते समय ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी में कोई समस्या आ जाती है, या फिर अगर आप सेज सेंटर जाते हैं बायोमेट्रिक से ई केवाईसी करते समय कोई समस्या से आ जाते हैं तो वहां पर आप हेल्प ले सकते हैं पीएम किसान योजना के अधिकारियों से। तो यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से आपको हेल्प लेनी है। यहां पर बहुत सारी समस्याएं ई केवाईसी में अभी आ रही है, जैसे कि पहली समस्या बहुत सारे किसानों को मोबाइल से ई केवाईसी करते समय सम एरर ओके ट्राई अगेन इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बहुत सारे किसानों का रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, और बहुत सारे किसानों जो सीएससी वाले हैं वो सीएससी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो सीएससी लॉगिन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी में आ रही है। और ओटीपी नहीं आ रहा बहुत सारे किसानों को पीएम किसान वाला ओटीपी नहीं आ रहा। बहुत सारे किसानों का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, बहुत सारे किसानों का रजिस्टर है फिर भी ओटीपी नहीं आ रहा है। तो ई केवाईसी में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। यहां पर मैंने कुछ मोटी मोटी समस्याएं हैं वो यहां पर दिखा रखी है आपको, कुछ और समस्याएं भी ई केवाईसी में हो सकती हैं। तो यहां पर अगर आपको कोई भी समस्या है तो यहां पर किस तरह से आप सहायता ले सकते हैं और कौन सी सहायता यहां पर दी जाती है, सहायता देने में यहां पर कितना समय पीएम किसान योजना के अधिकारी लगाते हैं, यानी अगर आप आज आप सहायता मांगोगे तो रिप्लाई कितने दिन बात करेंगे, यहां पर आप किस तरह से सहायता ले सकते हैं हेल्प डेस्क ऑप्शन से। तो यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं पीएम किसान योजना की वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पर मैं पीएम किसान योजना की वेबसाइट ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि मोबाइल माध्यम से ई केवाईसी करते हैं या फिर सीएससी माध्यम से आप ई केवाईसी करते हैं तो क्या सीएससी से अभी लॉगिन हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी सीएससी से कोई भी सी संचालक आपकी ई केवाईसी नहीं करके देगा, क्योंकि अभी सीएससी आईडी होती है वो लॉगिन नहीं हो रही है। और पीएम किसान की वेबसाइट में सीएससी आईडी लॉगिन नहीं होने की वजह से आपका फिंगर से यानी अंगूठा लग अगर आप ई केवाईसी करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी चल रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये प्रॉब्लम दिखा दी है। अब अगर आप नीचे आते हैं तो यहां पर आपको ई केवाईसी ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप मोबाइल से करोगे तो यहां पर एरर सम एरर ओकर्ड प्लीज ट्राई अगेन का एरर आ जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, यहां पर भी आप ई केवाईसी नहीं कर पाओगे। लैपटॉप से कोई कोई किसान कंप्लीट कर लेता है। फिर यहां पर आप नीचे होगे तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड भी आपको बता सकता है। तो अब यहां पर जो नए ऑप्शन सहायता के लिए जोड़ा गया है यानी कोई भी ई केवाईसी संबंधित है वो सहायता यहां पर दी जाएगी। तो यहां पर आपको हेल्प डेस्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जैसा कि यहां पर मैं क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद किसान भाई आपको जो भी प्रॉब्लम है सबसे पहले आपको क्वेरी स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, रजिस्टर क्वेरी पर। फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आधार नंबर अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर में से कोई भी एक डाल लेना है। उसके बाद जो भी किसान का आप स्टेटस ओपन करते हैं, जो भी सहायता लेना चाहते हैं, तो उस किसान की सारी डिटेल सामने खुल कर आ जाती है। किसान की सभी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। नीचे की तरफ जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जो आपको ऊपर सेलेक्ट गवर्नेंस, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आपको दो नए ऑप्शन मिल जाएंगे आपको जो आपको सहायता देंगे। यहां पर आपका पहला ऑप्शन मिल जाता है प्रॉब्लम इन ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी, प्रॉब्लम इन बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी। यानी ये तो अगर आप अपने मोबाइल से लैपटॉप से घर बैठे ई केवाईसी करना चाहते हैं ओटीपी के माध्यम से, और ये अगर आपके पास कोई आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप फिंगर के माध्यम से सीएस सेंटर में कोई ई केवाईसी में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आप सहायता ले सकते हैं। तो अभी हम प्रॉब्लम इन आधार बेस ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। ओटीपी बेस ई केवाईसी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है उसी का यहाँ पर सुधार या फिर सहायता मांगनी है पीएम किसान योजना के अधिकारियों से। अगर यहाँ पर आपको प्लीज ट्राई अगेन ओकर्ड का ऑप्शन आ रहा है, सम एरर ओकर्ड प्लीज ट्राई अगेन का एरर दिखा रहा है आपको ई केवाईसी करते समय अपने मोबाइल से, तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी किसानों की प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में आप पीएम किसान योजना में अगर आप ई केवाईसी करना चाहते हैं तो यहां से आप सहायता न मांगे, क्योंकि यहां पर आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। ये वेबसाइट का एरर है जो सभी किसानों को अपने मोबाइल या फिर बहुत सारे किसानों को लैपटॉप में इस तरह का एरर दिखा रहा है। यहां पर आप कोई भी शिकायत मांगोगे तो यहां पर कोई भी रिप्लाई है आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, यहां पर अगर आपकी सीएससी आईडी लॉगिन नहीं हो रही, अगर आप एक सीएससी संचालक हैं, अगर आपकी पीएम किसान योजना की वेबसाइट में आईडी लॉगिन नहीं हो रही, अगर आप ई केवाईसी किसानों की करना चाहते हैं या फिर आप ई केवाईसी फिंगर के माध्यम से किसान है और करवाना चाहते हैं, तो यहां पर आप ई
ई केवाईसी से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं मांगे, यहाँ पर आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वेबसाइट की प्रॉब्लम है जो यहाँ पर जैसे सॉल्व हो जाती है आपकी आईडी लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर अधिकारी है वो कुछ भी नहीं कर सकते, ये टेक्निकल इशू होने की वजह से आपकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है और जो एरर दिखा रहा है वो भी सभी को दिखा रहा है। जो प्रॉब्लम सभी को आ रही है उसमें यहाँ पर आप शिकायत करोगे या फिर हेल्प मांगोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है जैसे कि यहाँ पर आपकी ई केवाईसी करते समय सी अगर आपका फिंगर मैच नहीं कर रहा, यानी आपके आधार कार्ड तो अपडेट है लेकिन आधार कार्ड अपडेट होने के बावजूद जैसे आप फिंगर मशीन पर फिंगर लगाते हैं तो अगर आपकी लाइट नहीं जल रही है, आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो उस समय यहाँ पर आप हेल्प मांग सकते हैं। या फिर आपका रिकॉर्ड नोट फाउंड मांग बता रहा है, यानी अगर आपका रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है तो वो किसान ई केवाईसी करते समय यहाँ पर जरूर हेल्प मांग सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है जो प्रॉब्लम सभी किसान भाइयों को फेस करनी पड़ रही है उसमें अगर आप हेल्प मांगते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी सहायता नहीं मिलेगी। अगर आपकी खुद की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जैसा कि आपका रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है, रिकॉर्ड नोट फाउंड सभी किसानों का नहीं बता रहा, जिनको कोई प्रॉब्लम है उन्हीं किसान भाइयों को बता रहा है, तो वो किसान यहाँ पर हेल्प ले सकता है। बाकी अगर आपका एरर आ रहा है या फिर ई केवाईसी में एरर आ रहा है, मोबाइल से नहीं हो पा रही है, सीएससी में अभी लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो वो अभी ई केवाईसी स्टार्ट नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आप ई केवाईसी के लिए हेल्प मांगते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन यहाँ पर लिखकर सबमिट करते हैं तो उसमें ई केवाईसी के जो अधिकारी हैं जो चेक करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन, वो यहाँ पर आपको कोई भी रिप्लाई नहीं देंगी और रिजेक्ट कर देंगी आपकी जो सहायता है उसको, और यहाँ पर आपको कोई भी सहायता नहीं मिलेगी। और जहाँ तक हो सके अगर आपको एरर आ रहा है या फिर आपकी सी एस सी आई डी लॉगिन नहीं हो पाई तो आपको वेट ही करना होगा। ई केवाईसी की लास्ट डेट दी गई, उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा कुछ ही समय बाद और आप ई केवाईसी आसानी से कर सकते हैं, सही संचालक है तो आप इंतजार करिए, सभी किसानों की ई केवाईसी आप सभी को करनी होगी। और जो मोबाइल में एरर आ रहा है वो किसान भी इंतजार करिए, ई केवाईसी भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है मोबाइल के माध्यम से भी। तो यहाँ पर जिनको रिकॉर्ड नोट फाउंड या फिर कोई फिंगर की प्रॉब्लम है या फिर कोई ओटीपी की प्रॉब्लम है तो वो किसान यहाँ पर हेल्प ले सकता है। बाकी कोई एरर की या फिर सी एस सी लॉगिन की यहाँ पर कोई भी सहायता न मांगे, और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है वो आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपको सीधा सबमिट कर देना है, सबमिट करने के बाद जो अधिकारी हैं उनके पास आपकी जो सहायता है वो चली जाएगी, और जैसे ही 15 दिन 20 दिन या फिर महीने भर में जैसे आपका अप्लीकेशन देखेंगे तो वो यहाँ पर आपका रीमार्क करेंगे, जरूर रिप्लाई देंगे, तो आपकी सहायता हो सकती है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।